हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों से अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों ने मेरा डे स्किन केयर रूटीन देख ही लिया होगा और आप लोगों ने बहुत पसंद किया है सो आई होप आप लोग मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन भी काफ़ी पसंद करेंगे तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ माइस्लर वाटर से अपना नाइट स्किन केयर रूटीन अगर मैंने मॉर्निंग में फ़िजिकल सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है तो आइर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और माइस्लर वाटर यूज़ करती हूँ चेंज करके डिपेंड्स कभी बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो मैं कोकोनट ऑयल से मसाज कर लेती हूँ अभी गर्मी चल रहा है तो अवॉइड कर रही हूँ सो आई यूज़ दिस माइस्लव वाटर इससे मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ अपने फेस को अच्छे से वॉश करती हूँ यहाँ पे मैं अपने पूरे सनस्क्रीन को अच्छे से रिमूव कर रही हूँ एज यू कैन सी गाइस मैंने रिक्विल का टेंटेड सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ और वो फिज़िकल सनस्क्रीन है इसीलिए लिए वाटर यूज़ करना पड़ता है या फिर आप कोई बाम क्लींजर या ऑयल क्लींजर भी यूज़ कर सकते हैं सी गाइज कम्प्लीटली मैंने अपने फेस को uh, से रिमूव कर लिया अच्छे से नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस आफ्टर क्लीनिंग माई फेस आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस विद दिस फेस वॉश दिस इज़ डमा एशेंशिया फेस वॉश और ये बेसिकली नॉन फोमिंग फेस वॉश है uh, ये ड्राई सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और ये नॉन फॉमिंग है मतलब कि ये बिल्कुल भी फोम नहीं करेगा और बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा और आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा मैंने नायका सेल पर इसको परचेज किया था एंड आई एम लविंग फेस वॉश अभी रिसेंटली मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये फेस वॉश यूज करना तो इस फेस वॉश से मैं फेस वॉश करके आती हूँ इसका जो मैं टेक्स्चर है मैं आपको दिखाती हूँ इट्स वेरी यू नो क्रीमी काइंड ऑफ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है आज मैं वो स्किन केयर रूटीन आप लोगों से शो कर रही हूँ जब मैं केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ करती हूँ मैं वीक में दो बार ये वाला टोनर यूज़ करती हूँ अपने फेस पे नाइट स्किन केयर में बेसिकली इट इज़ थ्री परसेंट पी एच बायोटिक टोनर ये केमिकल एक्सफोलिएशन का काम करता है बहुत ही माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएशन है हालाँकि आई एम नॉट लविंग दिस टोनर मुझे इसको लगा के कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझ आता है बट मैंने इसको परचेज़ किया था दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इट फ़िनिश करने के बाद मैं कोई दूसरा टोनर या फिर कोई दूसरा केमिकल एक्सपोलियेसन परचेस करूंगी सो so गाइज इसको यूज़ मैं कैसे करती हूँ सबसे पहले मैं इसको कॉटन में लेती हूँ अपने फेस पे अच्छे से इसको वाइप करती हूँ ताकि जो भी वाइट हेड्स है या ब्लैक हेड्स है वो कॉटन में आ जाए और रिमूव हो जाए अच्छे से तो इसको अच्छे से वाइप करती हूँ इस तरीके से वाइप कर लिया फिर नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ये टोनर अपने पाम पे लेती हूँ एंड डैप डैप करके अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ डैप डैप मोशन में आइस के चारों तरफ बचा के रखना है आपको क्योंकि ये केमिकल एक्सफोलिएशन है तो आपको आपके आइस को बचा के रखना है कि आइस के अंदर ना चला जाए या आइस के आसपास ना जाए एंड आपको इसको पाँच मिनट के लिए वेट करना है पाँच मिनट बाद ही आप कोई इसके ऊपर कोई भी सिरम टोनर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे क्योंकि ये केमिकल एक्सफोलिएशन है तो ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्व हो जाना चाहिए उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट स्किन केयर स्टार्ट करेंगे सो फाइव मिनट्स बाद मैं अपना स्किन केयर अप्लाई करूँगी पाँच मिनट हो गए हैं अब आ, अब मैं अपना वाइटमिन सी सिरम अपने फेस पे अप्लाई करूँगी सो रिसेंटली मैंने ये परचेस किया है डॉक्टर शेड्स का वाइटमिन सी सिरम ये फ्रेग्रेंस फ्री है और ट्रिपल नाइन रुपीज़ का है और इसको मैंने थर्टी परसेंट डिस्काउंट परचेस किया था और ये बिल्कुल टेंट ग्लास बॉटल में आता है और ड्रॉपर के साथ आता है सो आई एम गोना अप्लाई दिस वाइटमिन बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करती हूं मैं बस तीन से चार ड्रॉप्स इससे ज्यादा नहीं सो गाइज वाइटमिन सी मेरे स्किन में एब्सॉर्व हो गया है नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर प्लम ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ये इसमें नाइसिनाइड है दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इसका बहुत थोड़ा सा अप्लाई करते हैं क्योंकि इसके ऊपर मैं एक थिक मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करूँगी नाइट में मैं काफ़ी थिक मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ और ये इसलिए अप्लाई करती हूँ क्योंकि इसमें न्यासिन है ग्रीन टी है सेंटेला है सो so, जो इन्ग्रीडियट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं सो आई लाइक यूजिंग दिस वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र एंड इसके ऊपर से मैं मॉइस्चराइज़र मिनिमलिस्ट का ओट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ ये मिनिमलिस्ट का ओट मॉइस्चराइज़र है इसके ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये बहुत थिक है ऑक्लूज बेस मॉइस्चराइज़र है और ये जो होता है मेरे फेस पे बिल्कुल एक यू नो पूरा एक लेयर बना के रखता है जिससे कि रात में ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस ना हो और मेरा स्किन बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लोई सप्पल एंड रेडिएंट रहे सो so गाइस you can see जो सारे प्रोडक्ट हैं सारे फ्रेग्रेंस फ्री हैं सो so, इनमें जो भी मैं प्रोडक्ट्स सारे यूज़ कर रही हूँ वो सारे इंडियन ब्रांड्स हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं गाइस। और ये नाइट स्किन केयर रूटीन आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं इट्स वेरी वेरी मिनिमल बेसिक और सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल है तीन सौ ढाई सौ बस मुझे एक वाइटमिन सी थोड़ा कॉस्टली लगता है ट्रिपल नाइन रुपीज़ का वो भी मुझे साढ़े का पड़ा है अदरवाइज़ और सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सारे ही बहुत ही अफोर्डेबल हैं नाइट स्किन केयर जो होता है उसमें आपका स्किन रेजुबिनेट करता है हील करता है जो भी डैमेज वगैरह हुआ है वो सारा कुछ हील होता है तो बहुत लोग फेशियल ऑयल्स यूज करते हैं बट अभी समर्स में मैं फेशियल ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे भी एक दो पिंपल्स जड्स आ जाते हैं फेशियल ऑयल यूज़ करने से सो so, समर्स में मैं अवॉइड करती हूँ बट विंटर्स में मैं फेशियल ऑयल स्क्वालिन वगैरह यूज कर लेती हूँ अदरवाइज ये है मेरा मिनिमल सर नाइट स्किन केयर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा शेयर करेगा सब्सक्राइब करेगा टिल दैन कीप वॉचिंग बाय बाय